विधानसभा क्षेत्र भोरन से प्रत्याशी कमलेश कुमारी ने कहा कि क्षेत्र की जनता उनके साथ है। भाजपा द्वारा किए गए विकास जनता खुश है, लोगों के आशीर्वाद से वे विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि जीत दर्ज करने के उपरांत प्राथमिकता के आधार पर भोरंस में लोगों की समस्याओं को हल किया जाएगा। वर्तमान में आवारा पशुओं बंदरों की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। आवारा पशुओं व बंदरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है, आगामी समय में किसानों को इस विकट समस्या से निजात दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सड़क सुविधा पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो आगामी 5 सालों में भोरंज में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। कमलेश कुमारी ने हॉर्न, नलखा, कांगूहट्टी, समकरी, ठारा, मलवाणी, ककरोला, भौर, बाणवी, भरमोटी, झनवी, सोटा, नगरोटा, राजपुतरा, पलपल, हड़ियाली, बैलग में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने अधर पंचायत के करीब नुक्कड़ सभाएं की। उन्होंने भाजपा की जन कल्याण नीतियों से भी लोगों को अवगत करवाया। आज तो हमारा जो कार्यक्रम है जी जाऊ से शुरू हुआ, हॉड और कांगू घट्टी, समकरी और भलवाणी होते हुए बाणमी, काम हमारे जो हैं आज 20-25 कार्यक्रम में। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपने देखा ही है कैसा रिस्पांस है, आपने लिए नहीं फोटो, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और मान सम्मान मिल रहा है, इससे बढ़िया रिस्पांस और क्या हो सकता है जी। आगे का क्या शेड्यूल है? आगे का शेड्यूल बस आज कार्यक्रम में रात के 7 बजे तक।